The ends of a stretched string of length L are fixed at x equals to 0 and x equals to L in an experiment. The displacement of the wire is y1 equals to a sine pi x by L sine omega t and energy is E1. And in another experiment, its displacement is y2 equals to a sine 2 pi x by L sine 2 omega t and energy is E2. मतलब हमें यहाँ पर दो वेव दी गई है और दोनों ही L लेंथ पर मूव कर रही है. दोनों की अलग अलग हमें यहाँ पर इक्वेशन दी हुई है. दोनों की एनर्जी के बारे में बात करा हुआ है. फर्स्ट वन की एनर्जी E1 है और सेकेंड वन की एनर्जी E2 है. यहां पर हम बात करें तो हमें पता है कि पावर इज बेसिकली हाफ म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर वी यहां पर हमारा होता है. जब हमारा पास पावर इज नथिंग बट हाफ म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू वी है. दिस पावर इज नथिंग बट एनर्जी बाय टाइम. दिस पावर इज बेसिकली एनर्जी बाय टाइम. सो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू वी. नाउ अगर हम पहली वाली वेव के बारे में चर्चा करें y1 के लिए, तो y1 की इक्वेशन हमें दी हुई है a साइन पाई बाई एल इंटू एक्स साइन ओमेगा टी. और y2 के लिए हमें इक्वेशन दी गई है a साइन 2 पाई बाई एल एक्स इंटू साइन ओमेगा टी. यहां पर दोनों क्या एम्पलीट्यूड भी सेम है, मतलब एम्पलीट्यूड पे भी हमें बहुत ज्यादा फर्क पड़ नहीं रहा है. मतलब ओमेगा स्क्वायर और वी से ही हम यहां पर चर्चा करते हैं. अगर हम इसके लिए एनर्जी निकालें तो इसकी एनर्जी इवन लिखी जाएगी ओमेगा स्क्वायर. दिस इवन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर. ओमेगा यहां पर ओमेगा है तो ओमेगा स्क्वायर इंटू वी. नाउ वेलोसिटी ऑफ वेव इज बेसिकली What is the velocity of wave? किसी भी इक्वेशन में अगर वेलोसिटी ऑफ वेव के बारे में बात कर रहे हैं तो हम लिखते हैं कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स. नाउ यहां पर कोफिशिएंट ऑफ टी इज नथिंग बट ओमेगा एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज नथिंग बट पाई बाय एल. सिमिलरली अगर मैं ई टू के बारे में बात करूं तो ई टू इज प्रोपोर्शनल टू ओमेगा. सॉरी यहां पर टू ओमेगा टी है आई गेस. हियर टू ओमेगा टी साइन टू ओमेगा टी. तो यहां पर लिखा जाएगा टू ओमेगा का स्क्वायर इन टू 2 ओमेगा अपॉन 2 पाई बाय एल. 2 2 विल गेट कैंसिल आउट. सो हमें यहां पर डायरेक्टली दिखता है कि E2 इज बेसिकली ट्वाइस ऑफ E1, विच मींस ऑप्शन नंबर बी इज आर करेक्ट ऑप्शन. E2 इज सॉरी नॉट ट्वाइस, इट इज 4 टाइम बिकॉज इट इज 2 का स्क्वायर. मतलब इट इज 4 ऑफ E1. तो ऑप्शन नंबर सी इज आर करेक्ट आंसर बिकॉज इट इज हियर 2 का स्क्वायर. मतलब यहां पर 4 टाइम्स ऑफ इवन यहां पर हम इसको लिख सकते हैं. अगर इसको खोल के भी लिखें तो हम लिख सकते हैं 4 ओमेगा स्क्वायर. नाउ दिस होल थिंग इज बेसिकली प्रोपोर्शनल टू इवन. मतलब E2 इज नथिंग बट 4 टाइम्स ऑफ इवन. मतलब हमारा ऑप्शन नंबर सी इज आर करेक्ट ऑप्शन.